एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने एनडीटीवी से बात करते हुए यह कन्फर्म किया है कि इंडिजनसली डेवलप्ड अस्त्रा मार्क 1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल प्रोडक्शन के लिए क्लियर हो गई है और ये पाकिस्तान की AIM 120C BBRAM मिसाइल से रेंज और परफॉर्मेंस में कंपेरेबल है। अस्त्रा की 110 किलोमीटर की रेंज है। ये रेंज उसकी बड़े टारगेट्स के अगेंस्ट है और इसकी मनूवरेबल टारगेट्स जैसे कि फाइटर जेट्स के अगेंस्ट इसकी रेंज 75 किलोमीटर है, जिससे कि ये AIM 120C मिसाइल की कैटेगरी में ही आ जाती है। AIM 120C मिसाइल पाकिस्तान की एयरफोर्स अपनी F-16 फ्लीट के साथ इस्तेमाल करती है। आरकेएस भदौरिया ने यह भी कंफर्म किया कि इस तरह की इंटीग्रेशन की प्रायोरिटी पूरी Sukhoi-30M की आई फ्लीट को दी गई है। इस नई मिसाइल को हर तरह की रियल वर्ल्ड कॉन्फ़िगरेशन में सक्सेसफुल डेमोंस्ट्रेट किया गया है, जिसमें बालाकोट एयर स्ट्राइक्स के अगले दिन हुए सिनेरियो को भी शामिल किया गया है। Sukhoi-30MKI जो कि R-77 BVRM मिसाइल के साथ आर्म्ड थे, उन्हें बालाकोट एयर स्ट्राइक के अगले दिन फायर करने की कंफर्मेशन नहीं मिली क्योंकि दुश्मन के जेट मिसाइल सिस्टम की रेंज से बाहर थे, जिसके कारण पाकिस्तान की एयरफोर्स के F-16 को एक अकेले Sukhoi-30MKI के ऊपर 4 से 5 AIM मिसाइल्स फायर करने का मौका मिल गया, लेकिन Sukhoi-30MKI अग्रेसिव मनूवर्स कर इन मिसाइल से बच गया। AIM 120C मिसाइल की रेंज 105 किलोमीटर है। ये लार्जर टारगेट्स के अगेंस्ट इसकी 105 किलोमीटर रेंज है और मनूवरेबल टारगेट्स जैसे कि फाइटर जेट्स के अगेंस्ट इसकी इफेक्टिव रेंज 60 किलोमीटर है और इसका नो एस्केप किल जोन 15 से 20 किलोमीटर है। इसी जोन में इंडिया के MiG-21 बाइसन को इस मिसाइल ने मार गिराया था। अस्त्रा मिसाइल इंडिया की इंडिजनसली डेवलप्ड बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। इसे DRDO ने डेवलप किया है। ये मिसाइल मिड कोर्स इनर्शियल गाइडेंस और टर्मिनल एक्टिव रडार होमिंग को फीचर करती है। इस मिसाइल को अलग अलग रेंजेस पर टारगेट्स को एंगेज करने के लिए डिजाइन किया गया है। अस्त्रा मिसाइल को इंडियन एयरफोर्स के Sukhoi-30MKI, डिसॉल्ट मिराज 2000, HAL तेजस, MiG-29 और MiG-29 जैसे एयरक्राफ्ट के साथ इक्विप किया जाएगा। अस्त्रा एक बहुत ज़्यादा केपेबल मिसाइल होने के कारण इंडियन एयरफोर्स को जरूरी एज प्रोवाइड करेगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।